जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये में आपको 8 GB का रैम एंड 128 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है इन फोन में। और इसके अलावा 64 MP तक का कैमरा होगा, अच्छा डिस्प्ले होगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी होगा, पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे, फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी होगा। ये सारा फीचर इन सभी फोन में आपको मिलेगा। और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताएंगे जिसे आप खरीद पाएंगे 12,000 के प्राइस रेंज में। अगर आपको 12,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए गेमिंग पर्पज के लिए या फिर कैमरा पर्पज के लिए, तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो अपने लिस्ट का 5वें नंबर पे आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो। दोस्तों ये फोन जो है ना काफी अच्छा फोन है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर आपको 12,000 रुपया में बड़ा रैम स्टोरेज वाला फोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि 8 GB का रैम मिल रहा है, तो दोस्तों इसमें आपको 8 GB का रैम एंड 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। इसके अलावा भी सभी फीचर काफी अच्छा मिल जाएगा। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं इस फोन का फीचर को। तो ये फोन जो है ना प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 191 ग्राम इस फोन का वेट है जो कि लगभग नॉर्मल ही है। 8.4 mm का थिकनेस, यानी कि ज्यादा मोटा फोन नहीं है। आप इस फोन में डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो XOS 10.6 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। अब बात करते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इनमें आपको 6.6 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। और इनमें आपको 480 nits का ब्राइटनेस मिल जाएगा, ज्यादा तो नहीं है बट ठीक ठाक ही है। बात करें स्मूथनेस की तो 90 Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180 Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्मूथनेस जो है ना काफी अच्छा दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो पीछे के साइड मैन कैमरा 50 MP का है, सेकंड कैमरा डेप्थ सेंसर है और सेल्फी कैमरा 8 MP का दिया गया है। प्राइमरी कैमरा का 1.6 का अपर्चर है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। इस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें आपको यूनिसोक T616 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। और इस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर जो है ना ठीक ठाक ही है। बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको चार्ज करने के लिए 18 W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 8 GB का रैम एंड 128 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो 256 GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। और इसी वाले वेरियंट को लेने के लिए आपको 11,999 रुपये देना होगा। इस फोन का और एक वेरियंट आता है 6,64, उस वाले वेरियंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 9,999 रुपये देना होगा। दोस्तों अगर आपको 12,000 रुपये में बड़ा रैम स्टोरेज वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और आपको बता दें कि इससे भी अच्छा अच्छा फोन अभी हमारे लिस्ट में बचा हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का 4th नंबर पे आता है वीवो की तरफ से वीवो T1X। दोस्तों ये फोन भी जो है ना रिसेंटली लॉन्च हुआ है और काफी तगड़ा फीचर के साथ आता है। अगर आपको 12,000 रुपये में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो नो डाउट यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं इस फोन का फीचर को। तो ये फोन भी जो है ना प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। काफी पतला सा फोन है, यानी कि 8 mm का थिकनेस है। और इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 182 ग्राम है जो कि ठीक ठाक ही है। इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो फनटच OS 12 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। और इनमें आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इनमें आपको 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। और इनमें आपको 90 Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्मूथनेस काफी अच्छा दिया गया है। ये तो हो गया डिस्प्ले, अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा 8 MP का दिया गया है एंड प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर एंड बैटरी का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिल जाएगा। और ये प्रोसेसर जो है ना 6 nm पर बना हुआ है एंड 2,20,000 प्लस इस फोन का तो स्कोर भी है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर जो है ना काफी अच्छा है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18 W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4 GB का रैम एंड 64 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस्ट फ्रेंड को लेने के लिए
यानी कि 464 वाले वेरिएंट को लेने के लिए आपको 11,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 12,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 12,000 रुपया में कोई लेटेस्ट अच्छा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का थर्ड नंबर पे आता है Redmi Note 11। दोस्तों अगर आपको 12,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑलराउंडर सा धांसु लेवल का स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। इनमें आपको अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा, एमोलेड डिस्प्ले होगा, अच्छा कैमरा होगा, ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर को। ये फोन भी जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ फोन है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 8.1 mm का थिकनेस है, काफी पतला सा फोन है। इस फोन का वजन आपको नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 179 ग्राम है। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। अब बात करते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। एंड 1000 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। बात करें स्मूथनेस की तो 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का दिया गया है, सेकेंडरी कैमरा 8 MP का दिया गया है जो कि वाइड एंगल सेंसर है, थर्ड कैमरा, फोर्थ कैमरा 2-2 MP का दिया गया है जो कि माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर के लिए है, और सेल्फी कैमरा 13 MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा से इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा, कैमरा इस फोन का काफी जबरदस्त का दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिल जाएगा, और ये प्रोसेसर जो है ना 6 nm पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है जिससे आप इस फोन में अच्छा खासा गेमिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का प्रो फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर जो है ना आपके मोबाइल के साथ ही मिल जाएगा और काफी फास्ट चार्ज करके देगा ये चार्जर। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, और इसी वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,700 रुपया देना होगा। और दोस्तों ये फोन उनके लिए है जिनका बजट 12,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हाँ अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो 12,000 के अंडर में मिल जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का सेकंड नंबर पे आता है Realme की तरफ से Realme Narzo 50। दोस्तों अगर आपको इस प्राइस रेंज में एक अच्छा पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। काफी अच्छा फोन है, प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें आपको सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का मिल जाएगा। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं इस फोन का फीचर को। तो ये फोन भी जो है ना प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 194 ग्राम है। 8.5 mm का थिकनेस, यानी कि ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो Realme UI 2.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है, और इनमें आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। 480 nits का ब्राइटनेस इसमें भी मिल जाएगा। बात करें स्मूथनेस की तो 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्मूथनेस जो है ना काफी जबरदस्त का दिया गया है जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले, अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको 53 रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का दिया गया है, बाकी का कैमरा 2-2 MP का दिया गया है, और सेल्फी कैमरा 16 MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा जो है ना ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का, तो इनमें आपको MediaTek Helio G96 वाला एक पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा। ये प्रोसेसर हालांकि 12 nm पर ही बना हुआ है, लेकिन प्रोसेसर जो है ना काफी पावरफुल है जिससे आप इस फोन में अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। एंड 3.5 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर काफी अच्छा है। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं।
हैं और इसी वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,999 रुपया देना होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जब जब सेल चलता है ना तो इस फोन का प्राइस 11,999 रुपया हो जाता है घट के। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो कुछ टाइम वेट करके ले सकते हैं, या फिर अगर आप इस फोन को अभी ही लेना चाहते हैं तो बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी फोन का। तो अपने लिस्ट का आखिरी फोन आता है पोको की तरफ से, पोको M4 Pro 4G। दोस्तों ये फोन जो है ना अभी के टाइम पे आपको 12,500 रुपया में मिल जाएगा, और ये फोन उनके लिए है जिनका बजट 12,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, या फिर अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदते हैं तो 12,000 के अंडर में मिल जाएगा। अगर आपको इस प्राइस रेंज का एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए ना तो यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं इस फोन का फीचर को। तो इनमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, और इनमें आपको 700 nits का ब्राइटनेस मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक ही है, जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, एंड 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्मूथनेस ठीक ठाक ही है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले जो है ना काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इसमें आपको 53 रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि वाइड एंगल सेंसर है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इसमें आपको MediaTek Helio G96 वाला एक पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का भी काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं, एंड 3.5 लाख प्लस इस फोन का भी अंतुतु स्कोर है। बात करें बैटरी का, इसमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इसमें आपको 6GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस फोन का भी प्राइस को बाद में ही बताएंगे, उससे पहले कर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे। तो ये फोन भी जो है ना प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 8.08mm का थिकनेस दिया गया है, काफी पतला सा फोन है। इस फोन का वजन आपको नॉर्मली दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 179 ग्राम है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक दिया गया है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि Android 11 पर बेस है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा, और इनमें आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए यानी कि 664 वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,499 रुपया देना होगा। अगर आपको 12,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए ना तो यह फोन भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। वैसे भी अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।